So we have read till uniform motion and non-uniform motion. Next topic that we will be reading is the different types of graphs. ग्राफ्स पर मैंने बता दिया था, स्लोप पढ़ते हैं अपन, ठीक है? आज लेट्स रीड अबाउट स्लोप. वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट स्लोप इन क्लास 9th आई थिंक, एज वेल एज इन क्लास 10th, वेयर यू हैव रेड अबाउट द वी आई ग्राफ, है ना? देखो यहाँ पर. अब नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप. एक मिनट. नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप. सपोज ये आपको एक ग्राफ दिया है, ग्राफ गिवन टू यू. दिस इज सपोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है? एस मतलब डिस्टेंस, पी मतलब टाइम, ओके? अब ग्राफ सपोज ऐसा दिया आपको, ये सिंपल, दिस इज द ग्राफ गिवन टू यू. अब इसका स्लोप क्या होता है बेटा? जनरली किसी भी ग्राफ का स्लोप अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लेते हैं, ठीक है? अब डिस्टेंस और टाइम में इंडिपेंडेंट कौन है? टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि समय किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप बढ़ता रहता है ना? तो स्लोप क्या है? एंगल बिटवीन दिस ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, ठीक? ये क्लियर है इतना? व्हाट इज स्लोप? एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस. अब देखो यहाँ पे, तो स्लोप को अपन, ये मान लो एंगल थीटा है, सबके घर में फिसल पट्टी होती है ना, स्लोप, किसी का स्लोप कम किसी का स्लोप ज्यादा, तो वही स्लोप चीज, यहाँ वही चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं. तो स्लोप का बेटा फॉर्मूला होता है टैन थीटा. क्या फॉर्मूला होता है? टैन थीटा. क्लास 10th में पढ़ा ना ट्रिग्नोमेट्री. अच्छा, अब मान लो किसी ने मुझसे कहा कि इसका वैल्यू निकाल के बताओ कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ दिया है? डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम, जो आप बोलो, बात एक है. इसका स्लोप क्या देता है? सपोज मैंने आप एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक? तो पॉइंट ए से पहले आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ट्राइंगल कंप्लीट कर दो. ये ट्राइंगल हो गया, इसको मैंने पॉइंट बी ले लिया. अब क्या फॉर्मूला है स्लोप का? टैन थीटा. टैन थीटा क्या होता है बताओ? व्हाट इज टैन थीटा इक्वल टू इन अ ट्राइंगल? टेल मी, टैन थीटा किसके बराबर होता है बेटा? चैट मैसेज में बताइए. ओ बाय बी, पी बाय बी, गुड. सामने आप, तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये मैंने लिख दिया पी बाय बी. अब परपेंडिकुलर यहाँ किसके बराबर है? ए बी के बराबर. और बेस किसके बराबर है? ओ बी के बराबर. ए बी क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस. और ओ बी क्या शो कर रहा है? टाइम. और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है. इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? वो आपको स्पीड देता है. और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा, जितना कम स्लोप होगा उतना कम स्पीड होगा, ठीक है? चीज क्लियर है? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी, ठीक? द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी. क्लियर है चीज सभी को? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स. ठीक, बन जाएगा. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब आगे देखो, आगे अब मान लो दूसरा ग्राफ दे दिया. अब इस ग्राफ की जगह बेटा मान लो ये जो ग्राफ है यहां पर दे दिया
वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम, ठीक है। अब बोल दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ठीक। फिर से देखो वही फॉर्मूला आ जाएगा, स्लैब फॉर्मूला, स्लोप का टैन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये परपेंडिकुलर क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड ले लो। और बेस क्या शो कर रहा है, टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, ये यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। तो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम कर लो, ठीक है, एरो लगा दो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन, ये आपको ध्यान रखना। कितना बन जाएगा सभी को, पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। ये सब याद करना, छोटी छोटी चीज है, ओके। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट देखो इसके बाद। अच्छा अब देखो यहाँ तो बहुत इजी है, यहाँ पे जैसे ये वीटी ग्राफ दिया है, तो इस वीटी ग्राफ में क्या हो रहा है, द वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है इनक्लाइन टू टाइम एक्सेस, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। ये तो सिंपल है, कई बार आपको ग्राफ ऐसा मतलब हल्का टेढ़ा मेढ़ा दे देगा, जैसे सपोज ग्राफ ऐसा दे दिया ये, अब सीधा ना देखे ग्राफ ऐसा कर्व दे दिया ये इस तरह का, मान लो ये पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दे दिया। अब यहां पे बोला कि स्लोप निकालो, अब देखो भाई ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो जब भी आपको कोई कर्व दे दे, क्या दे दे, कर्व दे दे और बोले कि स्लोप निकालो, तो आपको क्या ड्रॉ करना है बेटा, जिस पॉइंट पर बोले उस पॉइंट पर आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है, वो टैंजेंट टाइम एक्सिस के साथ जितना एंगल फॉर्म करेगा वही आपका स्लोप टैन थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो, अच्छा मैंने बताया था कल कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना, मतलब इररेगुलर अमाउंट से, या डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ग्राफ कैसा मिलता है, सॉरी, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ मिल रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर ग्राफ ऐसा मिलता है ये नीचे की तरफ, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखना ये चीज। अब किसी ने पूछ लिया कि समझाओ, एक्सप्लेन करो क्यों, तो आपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपन इसको इसके स्लोप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सपोज ये पॉइंट ए दिया है और ये पॉइंट बी दिया है, अब आपको ये दिखाना है कि ए से बी जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसकी रफ्तार इंक्रीज हो रही है, और आपको क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो आप क्या करो, आप टेंजेंट ड्रॉ करो, एक बार ए पर ड्रॉ करो और एक बार बी पर ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट क्या होता है, ऐसा लाइन जो सरफेस को बस टच करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, ये जो एंगल है, सपोज ये थीटा वन है, ये आ गया पॉइंट थीटा वन, है ना, इसको मैंने थीटा वन मान लिया। तो अगर मैं बात करूं टैन थीटा वन की, तो टैन थीटा वन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। फिर मुझे किसी ने कहा कि बी पर वेलोसिटी निकालो, तो फिर मुझे एक टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक और टैंजेंट ड्रॉ करो बी पर, हल्का ये इंटरसेक्ट कर गया, बुरा हो ना मानना, सॉरी। अब किसी देखो बी पर एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, अरे अरे इंटरसेक्ट कर जा रहा है, सॉरी।
लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, मेरे ड्राइंग स्किल्स इतने एनरिच्ड नहीं है एक्चुअली, दैट इज नॉट माई फॉल्ट, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, है ना? हो जा भाई। हाँ ये गया और ये बेटा, ये जो एंगल है ये आ गया थीटा टू, ये क्या हो गया? अब आप लिखोगे टैन थीटा टू, तो ये आ गया वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ठीक, अब आपको पता है टैन थीटा जो होता है कैसा बढ़ता है? टैन थीटा, टैन 0 डिग्री होता है 0, और टैन 90 डिग्री कितना होता है बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन 90? है टैन 91 होता है? क्या बात कर रहे हैं, टैन 90 इनफाइनाइट होता है भाई, क्या ट्रिग्नोमेट्री भूल गए सारा? टैन 90 इनफाइनाइट होता है, कहने का मतलब जो टैंजेंट ऑफ एंगल है उसकी वैल्यू 0 से 90 इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब, अच्छा अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो थीटा टू है वो थीटा वन से बड़ा है, दिखाई दे रहा है ना? ये एंगल बड़ा, ये एंगल छोटा है। इसका मतलब टैन थीटा टू बड़ा होगा टैन थीटा वन से, और इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए। क्लियर है सभी को? कैसे आ गया? हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस प्रकार से आप स्लोप निकाल के बता सकते हो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक, अगर ग्राफ कर्व के फॉर्म में दिया हो। अच्छा एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है? अब अपन एग्जांपल लेते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। जिसका एग्जांपल लेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, देखो ये दिया है ग्राफ। ओके, अब मान लो ग्राफ ऐसा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है, ये ओरिजिन है। मान लो ग्राफ ऐसा दे दिया, ठीक। अब क्वेश्चन ये में ये पूछ लिया या सिंपल पूछ लिया कि ये कैसा मोशन है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? तो आप दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट आप ए ले लो और एक दूसरा पॉइंट आप बी ले लो। फिर से अपन यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अच्छा एक चीज और, यहाँ पे व्हेन आई विल ड्रॉ द टेंजेंट तो व्हाट विल हैपन? देखो इसको मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? ये जो लाइन है इसको मुझे इधर थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे ए पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैंने ए पे लिया, ये ए पे ऐसा, ऐसा ये एक आ गया एंगल। ध्यान रखना एंगल हमेशा टाइम के साथ लेना है और एक्सटेंड कर दो, ये एक आ गया एंगल, ठीक। अब बी की बात करते हैं, अब मैं बी पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये मैंने बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, अरे सॉरी गलत बना दिए, उस तरफ बनाना था ऐसा, ऐसा ये टैंजेंट गया बी पर, ठीक तो ये आ गया थीटा ए ले लो इस बार, और ये एंगल आ गया थीटा बी। अब क्लियरली कौन सा एंगल बड़ा है बताओ? थीटा ए बड़ा है, ए वाला बड़ा है कि बी वाला बड़ा है? कौन सा एंगल बड़ा है?
ए वाला मतलब ए की वेलोसिटी ज्यादा है और बी की वेलोसिटी कम है। तो इस प्रकार से आप टैंजेंट ड्रॉ करके ये बता सकते हो कि वेलोसिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी कहाँ डिक्रीज हो रही है। क्लियर है सभी को टॉपिक? स्लोप वाला। गुड श्रेया शिवम। ओके, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, इसका मतलब टैन थीटा ए इज ग्रेटर देन टैन थीटा बी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो देखो टाइम तो यहाँ कम है और यहाँ पे टाइम ज्यादा है, मतलब जैसे समय बढ़ रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? कैसे करना है? इजी है ना? ओके, तो स्लोप से फिर आप बता सकते हो कि किसका कैसा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आते हैं सिंपल वाले जो मैंने आपको 9th में ही पढ़ाए हैं। ये दे दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया, ये ऑब्जेक्ट ए दे दिया और ये ऑब्जेक्ट बी दे दिया। अब पूछ लिया किसका स्पीड ज्यादा है, ए का कि बी का? किसका स्पीड ज्यादा है बेटा बताओ? विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर स्पीड? ए ए ए ए। वेरी गुड गुड कृतिका पारुल शांतनु अविरल प्रिंस जायना प्रांजलि कुशाग्र जानवी सान्या। ठीक है, गुड, सबका आंसर सेम है ना? तो एक ये क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है, बस आपको एंगल देख लेना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान ये देना है कि जो आपको एंगल लेना है वो हमेशा टाइम के साथ लेना है। मान लो ग्राफ ऐसा दे दिया, ये ए है और ये बी है, अब बताओ किसका स्पीड ज्यादा है, ए का या बी का? इस वाले ग्राफ में, ये जो मैंने अभी बनाया इसमें बताओ बेटा। हाँ, एंगल बेटा किसके साथ लेना है? इंडिपेंडेंट के साथ, जो ये है टाइम है। तो ये इसका एंगल इतना हो गया, इसका एंगल इतना हो गया, तो ए का स्पीड ज्यादा है और बी का स्पीड। क्लियर है? बन जाएगा सभी को? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था क्लास 9th में एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पढ़ा था ना? वीटी ग्राफ क्या देता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अगर किसी को याद हो तो, व्हाट डज एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड पारुल, एरिया अंडर वीटी ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अच्छा, अभी तक आपने, सुनो, 9th तक आपने जो पढ़ा था उसमें केवल अपन ने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव वाले केस नहीं थे। तो आज अपन कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें नेगेटिव वाला केस भी प्रेजेंट हो, ठीक है? तो चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी कॉपी पेस्ट इट। नेगेटिव वाला नहीं दिख रहा कहीं पे। चलो कोई नहीं,
पहले एक नॉर्मल ही कर लेते हैं, ठीक है बेटा। हाँ ये है नेगेटिव वाला क्वेश्चन। चलो डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबको बन जाएगा, जिसको नहीं बनेगा उसको मैं बता दूंगा। करो। द डायग्राम शोज वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। अब देखना बेटा, ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, 2 से। तो अगर मैं इसको पॉइंट ए ले लेता हूँ, इसको पॉइंट बी ले लेता हूँ, इसको पॉइंट सी ले लेता हूँ और इस लास्ट को पॉइंट डी ले लेता हूँ, तो कितना होगा? पहले आप मेरे को निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी डी, इसको ई मान लो, इस पॉइंट को 3 पे। उसके बाद फिर मुझे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है, लेकिन ये जो ये वाला लास्ट पार्ट है, मान लो सी डी, इसको एफ मान लो, ये एफ है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सी डी एफ निकालोगे ना, इसको आप क्या लोगे? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो टोटल आंसर कितना आएगा? इतना एरिया प्लस इतना एरिया माइनस इतना एरिया। कर लोगे सभी लोग? बताओ येस और नो, बनेगा? जानवी सिंह, हाँ डिस्टेंस, ठीक है। करो बेटा क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। ट्राई इट वंस। पहले आप निकालो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ, मतलब आप कर लो, सॉरी वो हल्का मिट गया। हाँ ऐसा ले लो, सुनो ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए ऐसा ले लो, पूरा लाइन से ओ बी सी डी ले लो, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ओ हो गया ओरिजिन 0 वाला, इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो और लास्ट वाले पॉइंट को ई मान लो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा? ये आएगा एरिया ऑफ, सबसे पहले ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? बी सी डी, बी सी डी, और लास्ट में माइनस कर देना एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा? स्क्वायर या सी डी ई एफ, तो डी ई एफ। करो सॉल्व करो सभी लोग, अभी सिंपल मैथ है, जिसको मैथ बनता है उससे बन जाएगा, जिससे मैथ नहीं बनता उससे नहीं बनेगा। चलो करो बताओ कितना आंसर आएगा, सॉल्व करिए एंड टेल मी द आंसर। निकालो एरिया। देखो इस ट्रेपेजियम में ये जो ओ ए बी सी है, ऐसा ट्रेपेजियम है, देखो ये ओ ए है, ये ए बी है और ये बी सी है, देख लो इसको नहीं आता, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ओ से ए कितना दे दिया? 2। बी टू सी कितना दे दिया? 4। और ओ टू सी कितना दे दिया? 3। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरल, पैरल साइड कौन से हो गया बेटा? ओ ए हो गया और बी सी हो गया, इनटू हाइट। हाइट मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है? ओसी। कर दो सॉल्व, बहुत इजी है यार, मैथ आपको पढ़ा है आपने ना। सबसे सही और सही जवाब, सबसे पहला जवाब दिया है प्रिंस ने, दिया है 9, सूर्यांश ने दिया है फिर 9, शांतु ने 9, अविरल ने 9, सक्षम ने 9, अतुल ने 9, आदर्श ने 9, कुशाग्र ने 9। श्रेया इज द फर्स्ट वुमेन इन दिस कंट्री,
टू आंसर दिस क्वेश्चन. गुड श्रेया. वुमेन एम्पावर्ड. अरे यार कुछ वर्ड ऐसे तो जो मिस से स्पेल हो जाए तो फिर वो सही से निकलते नहीं है. एम्पावरमेंट. आस्था हैज गिवन द राइट आंसर. सुमित हैज गिवन. सान्या हैज गिवन. गुड सान्या. प्रेक्षा हैज गिवन. कृष्णु हैज गिवन. तो मतलब 9 इज द राइट आंसर. सबको बन गया. अब कोई ऐसा बताओ सर, रेक्टेंगल से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस करें, माइनस कर दें तो सही है क्या ऐसा? एक मिनट, कौन सा रेक्टेंगल? कहाँ यहाँ रेक्टेंगल बन रहा है बेटा? जैसे तुम जो बता रहे हो रेक्टेंगल, सुनो रेक्टेंगल ये बनेगा ना ऐसा, ये बनेगा रेक्टेंगल. तो माइनस का है. अच्छा अरे तुम इसकी बात करो, ये नीचे वाला रेक्टेंगल से इतना माइनस कर दें? नहीं सही नहीं होगा. तुम नॉर्मल करो भैया. सुनो रॉकेट साइंस मत करो, जब चीजें नॉर्मल हैं तो उसको नॉर्मल ही करो, ठीक है? सूर्यांश. सौम्या का भी आंसर आ गया, बधाई हो सौम्या. बन जाएगा सभी को क्वेश्चन. तो ऐसे इसको नहीं बनेगा जिसको कोई डाउट है, हाँ? बता दो. चलो नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, आप 8th की बुक उठाना, उसमें एक एरिया चैप्टर दिया था ना, एरिया ऑफ फील्ड निकालने को, उसको पढ़ना तो आपको बन जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक. अच्छा अब मान लो इस क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, ठीक है? विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिटार्डेशन. ग्राफ का कौन सा पार्ट रिटार्डेशन शो कर रहा है? बताओ आंसर. हाँ भैया ठीक है, तुमको जैसे करना है करो, मैं एडवाइस करूंगी सिंपल तरीके से करो ज्यादा अच्छा, ठीक है? बाकी आंसर आपका आना चाहिए. शांतनु B2F, पारुल ने कहा BD. अच्छा कुछ लोग BD बोल रहे हैं, कुछ लोग B2F बोल रहे हैं. कौन सच बोल रहा है बताओ? और क्या आंसर दिया किसने? आदर्श ने कहा BD. सान्या ने कहा BD. अनुज ने कहा BF. प्रिंस ने कहा BF. BD. एक आंसर बताओ या डिस्कस कर लो. वाई BD एंड वाई BF? Why two answers? Why not only one answer? बताओ. और बाकी लोग को आंसर? श्रेया, शिवा, मनोज, साहित्य सिंह, DF. अच्छा चलो पहले आप ग्राफ को पढ़ना सीख लो, ठीक है? ओके. देखो अगर कोई भी ग्राफ दिया हो, अच्छा आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. सुमित इज सेइंग BD. चलो देखो ग्राफ को पहले आप देख लो, ये जा रहा है A से B जा रहा है, फिर किसने कहा? यस सर. देखो यहाँ पे ये A टू B जा रहा है, पहले यहाँ तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. अब देखो B से D क्या हो रहा है, B से D आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना,
बी पर टाइम कितना है 3 और वेलोसिटी कितना है 4, तो मैंने यहाँ पे यू को 4 मान लिया। फिर डी पर टाइम कितना हो गया 4 और डी पर वेलोसिटी कितना हो गया 0, तो फाइनल कितना हो गया 0। अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, वी माइनस यू बाई टी। आप करके देखो ना, फाइनल कितना हो जाएगा 0, इनिशियल कितना हो जाएगा 4, टाइम कितना हो गया 1, तो एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी से डी तो आपका दिखा रहा है, ये क्लियर है। अब डी से एफ देख लेते हैं। डी पर बेटा वेलोसिटी कितना हो गया 0, फिर मैं एफ पे आ जाता हूँ, एफ पे वेलोसिटी कितना हो गया -4 और टाइम कितना लग रहा है 1, तो इनिशियल हो गया 0, वी हो गया -4 और टाइम। तो यहां भी अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो आएगा वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू बाई टी मतलब वेलोसिटी आपकी हो गई -4, इनिशियल हो गया 0, टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो यहाँ भी आपका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ भी आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और ये दिखा रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव है बेटा। ये देखो यहां तक क्या हुआ, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ग्राफ आपको बन रहा है बी से डी तक, आपका बी पर वेलोसिटी कितना है 4 और डी पर वेलोसिटी क्या हो गया 0। इसको आप ये कह सकते हो कि मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, कहाँ फेंका, ऊपर, ये ऊपर फेंका, तो आपने कितनी रफ्तार से फेंका, आपने फेंका 4 मीटर पर सेकेंड से। फिर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और नीचे कौन सा फोर्स लगता है, नीचे लगता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर, यहाँ पे सॉरी, ये इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये वापस से नीचे गिर रहा है, नीचे, इट इज अगेन फॉलिंग डाउन। तो ये आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि ये पहला पार्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, फिर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, हाँ, तो B2F, सही बात है, B2F। लेकिन ध्यान देना, एक्सेलरेशन भले नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी, मान लो ऐसा पूछ लिया कि कहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और कहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सो बी से डी में आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और D2F में आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वापस से इंक्रीज हो रही है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। मैंने इनिशियली क्या मान लिया, मैंने इनिशियली ये माना है कि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाला डायरेक्शन अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसीलिए इस केस में यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बन जाएगा सभी को। ओके, अच्छा अब बताओ इस ग्राफ में कि वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी, वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। अब देखो, मैं अगर तुमसे कोई भी चीज बोल रहा हूं ना, जैसे मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी, तो क्या फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बहुत सोचना नहीं है आपको, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बताओ कितना आएगा एवरेज वेलोसिटी, जल्दी बताओ। कितना आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी, सूर्यांश इज सेइंग 1, शरद इज सेइंग 9/5। 1 क्यों आएगा सूर्यांश, शरद ने कहा 9/5, और बताइए।
और बताओ जाकिर, क्या आंसर आएगा? साहित्य सिंह 2.25, अविरल सिंह 9/5 और ओके नहीं। हाँ देखो बहुत ही सिंपल से भाई, सिंपल है। क्या फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 9, और टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया 5, तो 9/5 आ जाएगा। ए तुम लोग का 2 पॉइंट कैसे आ रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? 9 आया था कि 13 आया था? बताओ। हाँ 9/5, तो 2.2 किसका आंसर आया था यार? साहित्य का आंसर आया था ना 2.2। कैसे आया साहित्य 2.2? डिवाइड नहीं कर रहा, डिवाइड नहीं कर पा रहे यार। बताओ तुम्हें, ये आंसर आएगा 1 पॉइंट कितना? 1.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोई बात नहीं, ठीक है चलो बन जाएगा। अच्छा मान लो इसने पूछ लिया कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताओ कितना आएगा? जल्दी बताओ, 1 मिनट से कम बचे हैं। अरे चलो टाइम खत्म होने वाला है। अब ये एवरेज स्पीड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लो, एवरेज स्पीड मेरे को कैलकुलेट करके बताना, ठीक है? चलो ठीक, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। सारे क्वेश्चन कॉपी में कर लेना,